भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। ओम साई नाथाय नमः। साई भक्तों, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए साई बाबा किसी भी शक्ति से टकराने को तैयार रहते हैं। रांची झारखंड में मंदाकिनी और उसके परिवार की रक्षा करने के लिए साई बाबा एक अज्ञात शक्ति से लड़ गए थे। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। मैडम आपका कुरियर है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। पूजा का ये फल दिया? क्या बात है मंदाकिनी? क्या बात है मंदाकिनी? आपका चरित्र इतना गिरा हुआ हो सकता है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। विश्वासघात? और मैंने? ये क्या बकवास कर रही हो मंदाकिनी? तुम पागल हो गई हो क्या? किसका लेटर है? जिसका नहीं आना चाहिए था। सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा प्यार किसी और के साथ बटा हुआ है। मेरे पति के दिल में कोई और भी है। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे संतोष, पिछले कई दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जीवन के अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया था, पर ये अकेलापन भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है ना। अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें हैं, पर वक्त के साथ ये यादें पुरानी होती जा रही है। इसलिए एक बार मैं तुमसे मिलकर अपनी यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर में सिर्फ मंदाकिनी के साथ ही तुम्हें आने की इजाज़त मिलेगी। तुम भूले नहीं होंगे, 11 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। उस दिन तुम्हें मंदाकिनी के साथ ग्वालियर ही आना होगा। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी बिंदिया। मैं तो समझती थी कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी हूं, पर बिंदिया मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और वो मुझसे एक तरफा प्यार भी करती थी, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं एक दोस्ती या फिर रिश्ते का नाम दे सकूं। हाँ, ये बात है कि हमारी शादी के बाद बिंदिया ने शादी नहीं की। वो मेरा नाम, मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन मैं शादी के इतने साल बाद भी उसका नाम तक नहीं जानती। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मंदाकिनी। और एक बात बताओ, अगर मेरे साथ उसका कुछ ऐसा रिश्ता होता तो वो तुम्हें मेरे साथ में ग्वालियर क्यों बुलाती? और उसके बुलाने से क्या होता? कौन सा मैं वहां चला जाऊंगा? लेकिन मैं जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं भी तो देखूं वो सिर्फ तुम्हारी कौन है। दीवाने आए
को सुनाने आए मंदाकिनी, मैं बरसों बाद बिंदिया को मिल रहा हूं। मुझे ऐसे एक सरप्राइज देना चाहिए। Cheers. ये है इसका केलापन। तुम और तुम्हारे मिलने वाले सब ऐसे ही। सुजीत, कोई और आने वाला है, शायद उसे ये सब पसंद ना आए। इसका मतलब मेरे अलावा कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में? पियो, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि मेरी बिंदिया किसी और से प्यार करती है। उसके आने के बाद ही पीऊंगी, वो भी वो पिएगा तो। बच्चा औरत, तो ये है तेरी सच्चाई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। संतोष के लिए मैं एक बार तो क्या बार बार भर सकती हूँ। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। और मैं तेरी मौत हूँ। सुजीत, विद्या, विद्या, तुम ठीक तो हो? विद्या, विद्या, सुजीत, विद्या, तुम ठीक तो हो ना? विद्या, सुजीत, संतोष के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। मेरा लेटर मिलते ही तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये मंदाकिनी है ना? संतोष, तुम्हारी पसंद मुझे भी बहुत पसंद है। सच में तुमने बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की से शादी की है। अच्छा, अंदर आओ। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आओ अंदर आओ। लेकिन अंदर तो क्या, अंदर तो कोई भी नहीं है।
संतोष, भागो, कितना भाग सकते हो। अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। आप लोगों का मतलब है कि बिंदिया वर्मा ने आप लोगों को लेटर लिख कर दिया, रांची से ग्वालियर बुलाया है? जी जी सर। और फिर आप लोगों की आंखों के सामने उसका मर्डर हुआ, फिर भी वो जिंदा थी? जी हाँ सर। देखिए आप लोगों कुछ गलत कर, नई सड़क पर रहने वाली बिंदिया वर्मा का कत्ल आज से 3 साल पहले हो चुका था। पुलिस को उनके घर से 2 लाशें मिली और आज तक पुलिस उनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। इसलिए मेरी बात मानिए और आप लोग आज और इसी वक्त रांची लौट जाएंगे। लेकिन सर हमारी ट्रेन कल दोपहर की है और तब तक के लिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई साईं मंदिर है? मंदाकिनी, आज रात हम यहीं पर गुजार लेते हैं। नहीं संतोष, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें आज ही फौरन रांची वापस चलना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है मंदाकिनी, और यहाँ पर श्री साईं सच्चरित्र भी तो है, हम इसका रात को पारायण करेंगे और पूरी रात गुजार देंगे। श्री हिमान पंत जी कहते हैं, शिरडी के साईं अपने उसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं जो अपना जीवन और अपना भविष्य खतरे में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। साईं उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं, हर वक्त उसका ख्याल रखते हैं। बिंदिया, बिंदिया भी तो मुश्किल में है, मरकर भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। क्या इस पाठ को पढ़वाकर आप मुझे बिंदिया की मदद करने के लिए भेजना चाहते हैं बाबा? आपका संकेत मिल गया है देवा, मैं ये फूल लेकर बिंदिया के घर जरूर जाऊंगा, चाहे मेरा जीवन संकट में पड़ जाए। ये तुम क्या कह रहे हो संतोष, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। बिंदिया की आत्मा भटक रही है मंदाकिनी, मैं बाबा की भक्ति का ये फूल लेकर उसके घर पर जाऊंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए संतोष, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। जीते जी वो तुम्हें नहीं पा सकी, इसलिए मर के वो ये खेल खेल रही है। फिक्र मत करो मंदाकिनी, साईं बाबा मेरी रक्षा करेंगे, उनकी कृपा मेरे साथ है। तुम नहीं जाओगे मंदाकिनी, आज मेरी भक्ति की परीक्षा है और मैं ये परीक्षा जरूर दूंगा। बेहतर होगा कि तुम मेरी इस भक्ति के बीच में ना आओ। बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। साईनाथाय नमः। साईनाथाय नमः। कर मेरे सामने आ, मेरी आत्मा
कब से तड़प रही थी तेरा खून पीने के लिए। ऐसी भूल मत करना सुजीत, मैं इसे किसी के भी हाथों मरने नहीं दूंगी। क्योंकि ये तेरा प्यार है, तुझे बहुत तड़पना पड़ेगा इसके बिना। ऐसे ही समझ लेती, फिर तो इसको तेरी आंखों के सामने मरना होगा। नहीं, नहीं, छोड़ो। मार सकता संतोष, तेरा कोई खून नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा खून तो मुझे पीना है ना। तो किसी का नहीं हो सकता, तो सिर्फ मेरा। मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आई हूँ, अपने साथ ले जाने आई हूँ, अपना बनाने आई हूँ। चलो मेरे साथ संतोष, चलो मेरे साथ। आप संतोष मेरे साथ चलो। रुक जाओ विद्या, मैं कहता हूँ मेरे पास मत आना। मैं कैसे तुम्हारे पास ना आऊँ? इस मिलन के इंतजार के लिए तो मैं तड़प रही थी, अब तो मुझे अपनी प्यास बुझाने दो। फिर साईं बाबा मेरी रक्षा करो। ओम साईनाथाय नमः। चलो मेरे साथ। ओम साईनाथाय नमः। संतोष। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। मुझे अपने पास बुलाओ संतोष। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। संतोष। ओम साईनाथाय नमः। संतोष। संतोष, मैं तुम्हारी भक्ति और भावना से प्रसन्न, जो अपना जीवन संकट में डालकर दूसरों की मदद करता है, यह फकीर उसे अपना बनाने में देर नहीं करता। अल्लाह मालिक। ओम साईनाथाय नमः। मंदाकिनी और उनका परिवार बाबा को एक चमत्कारी बाबा कहता है। सही ही तो है, बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए चमत्कार ही दिखाते हैं। जय साईं बाबा की। के बंद